ये सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो देजा वो एक ऐसी फीलिंग है जब आपको लगता है कि जो चीज़ आप अभी कर रहे हो वो सब तो भाई पहले भी हो चुका है। तो देजा वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब इंग्लिश में होता है प्रीवियसली सीन। ये एक ऐसी सेंसेशन है कि जो भी काम आप अभी कर रहे होते हो तो आपको ऐसा सेंस होता है कि ये चीज़ आप पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हो। यही है सिंपल एक्सप्लेनेशन देजा वू का। अब हम साइंस के भाई बंदे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये क्यों होता है। तो देजा वू के क्या कारण है आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देजा वू का समझना इसलिए भी साइंटिस्ट के लिए मुश्किल है क्योंकि ये सभी में हो जाता है बिना किसी वार्निंग के, उन लोगों में भी जिनमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। देजा वू जितनी जल्दी शुरू होता है उससे ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये इतना क्विक होता है कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो तो भाई गैस भी नहीं कर सकते कि उनके साथ आखिर ये हो गया क्या। तो देखते हैं कि इसके पीछे क्या थ्योरीज हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी इसके पीछे की थ्योरीज ध्यान से बिल्कुल फोकस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट thenotes.net पर जा करके पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और अभी पहली थ्योरी है स्प्लिट परसेप्शन। स्प्लिट परसेप्शन में ऐसा होता है कि आपकी जो पुरानी यादें हैं, एक से ज़्यादा यादें, अगर आप लोग सही से नींद वगैरह नहीं लेते हो या रेस्ट वगैरह नहीं लेते हो तो वो सारी यादों का लॉजिकल कनेक्शन नहीं बन पाता और वो मिक्सअप हो जाती हैं। और यही स्प्लिट परसेप्शन की वजह से जब यादें आपकी मिक्सअप हो जाती हैं तो जो चीज़ आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, जबकि वो मिक्सचर होता है एक से ज़्यादा यादों का। तो ये कॉज करता है देजा वू को। तो दूसरा जो भी है यहाँ पर थ्योरी निकल के आई है वो है ब्रेन सर्किट मैलफंक्शन। ब्रेन सर्किट मैनुफैक्चरिंग भी एक स्प्लिट परसेप्शन जैसी ही थ्योरी है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इसमें ग्लिच आपकी ब्रेन में आ जाता है। तो जब भी जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपको ऐसा लगता है कि ये पहले हो चुका है, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो काम और जो पुरानी याददाश्त रिकॉल होने का काम है ब्रेन में, वो दोनों काम साथ में होते रहते हैं। और इस वजह से आपको लगता है कि आपकी ब्रेन भाई क्या कर रही है, ये चीज़ें तो पहले आपके साथ हो चुकी हैं भैया, लेकिन वहाँ पर आपकी ब्रेन एक बार में चीज़ें रिकॉल भी कर रही होती है और जो नए एक्सपीरियंस हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रही होती है, लेकिन इस वजह से आपको लगता है कि ये चीज़ भाई आपके साथ पहले हो चुकी है। तो दोस्तों तीसरा जो यहाँ पर थ्योरी है वो है मेमोरी रिकॉल। इस थ्योरी का थोड़ा बहुत भाई मेरे को सही लगता है। इस थ्योरी के हिसाब से जो चीज़ें आपके साथ पहले हो चुकी हैं उनके जो भाई पात्र थे यानी जो सब्जेक्ट था वो तो आपको याद है। जैसे कि आपकी कोई मेमोरी रिलेटेड है भाई बैट या बॉल क्रिकेट से, तो आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बचपन की याददाश्त है कि हाँ आपने बैट से क्रिकेट खेला था। अगर आप उसी बैट से भाई अभी क्रिकेट खेलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है क्योंकि आप इवेंट भूल चुके हो पूरा पास्ट का, लेकिन आपको ये याद है कि सब्जेक्ट क्या था। सब्जेक्ट था वो बैट, और आपकी मेमोरी इस तरीके से कवर अप होती है कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ आपके साथ पहले हो चुकी है। तो ये तो तीन साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थ्योरीज थी देजा वू की, लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग थ्योरी जो मुझे पता चली जब मैं देख रहा था भाई कोरा.com, तो यहाँ पर मुझे एक सरप्राइजिंग थ्योरी पता चली पैरेलल यूनिवर्स की। तो यहाँ पर पैरेलल स्पेस में आता है, ऐसा होता है कि कई यूनिवर्स हमसे आगे टाइम में है, कई यूनिवर्स हमसे पीछे टाइम में है, और हम सभी का अपने दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर के साथ एक लॉजिकल माइंड कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो करेक्टर आगे एक्सपीरियंस कर चुका है वो चीज़ें हमें रिकॉल होती है ब्रेन में और हमें लगता है कि हाँ ये तो पहले हो चुका है क्योंकि वो हमारे पैरेलल यूनिवर्स में हो चुका है, लेकिन इस यूनिवर्स में जो हमारा रियल टाइम यूनिवर्स है उसमें वो चीज़ हमारे साथ अभी हो रही है। तो ऐसा लगता है, और यही थी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। देजा वू सिर्फ एक फीलिंग है क्योंकि ऐसा एक्चुअली में नहीं हुआ है आपके साथ, क्योंकि भाई टाइम रिपीट नहीं होता है, टाइम सिर्फ निकलता जाता है, और आपको इस टाइम को भाई कंज्यूम करना है अच्छी चीज़ों में। सब्सक्राइब कर दीजिए रेड।